नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल, वो एक्ट्रेस जिसने तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में रोशन कौर सोढ़ी का किरदार निभाया, लेकिन अभी ये एक्ट्रेस लगातार रसद कुमार मोदी, जो कि तारक मेहता शो के निर्माता हैं, उन पर हमलावर है। एक के बाद एक इंटरव्यूज़ किए जा रही हैं और इस इंटरव्यू में नए नए खुलासे कर रही हैं। अब जेनिफर ने एक बार और असित कुमार मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस बार जो खुलासा जेनिफर ने किया है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। आपको बता दें कि जेनिफर ने इस बार सेट पर मौजूद चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में खुलासे किए हैं। वहीं चाइल्ड आर्टिस्ट जिनको आप टप्पू सेना के नाम से जानते हैं, टप्पू सेना का वो किरदार जो कि घर घर में मशहूर है, वो पांच बच्चे जिन्हें आप बचपन से ही देखते आ रहे हैं, वो पांच बच्चे जो बचपन से ही तारक मेहता के शो से जुड़े हुए हैं, हालांकि उनमें से दो किरदार कई बार बदले गए, बात कर रहे हैं अगर यहाँ टप्पू की या फिर सोनू की, इस किरदार को तो बार बार बदला गया, लेकिन अभी भी तीन किरदार जो कि गोली, गोगी और पिंकू का है, वो अभी भी कायम है। ये बच्चे बचपन से ही इस शो का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब इस पर एक हैरान कर देने वाला खुलासा जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने किया। जेनिफर ने कहा कि ना सिर्फ बड़े एक्टर्स बल्कि चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ भी गलत व्यवहार किया जाता था। चाइल्ड आर्टिस्ट वो छोटे बच्चे जो शो को करने आते थे, उन्हें ओवरनाइट शूटिंग के लिए मजबूर किया जाता और वो भी तब जब उनके एग्जाम्स रहते। एक किस्सा उन्होंने सुनाया, कहा कि बच्चे रात भर शूटिंग कर रहे थे एक बार और उन्हें इसके लिए मजबूर किया गया, और ख़ास बात ये थी कि शूटिंग के अगले ही दिन उन्हें एग्ज़ाम में जाना था। जेनिफर कहती हैं कि शूटिंग जो है वो 6 बजे सुबह तक जारी रही, रात भर शूटिंग बच्चों ने की, इस दौरान उन्हें पढ़ने का मौका भी नहीं दिया जाता था और 7 बजे बच्चे स्कूल के लिए रवाना हो गए। और हैरानी की बात तो ये थी कि जब स्कूल में उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो उस शूटिंग का असर जो है एग्ज़ाम पर भी पड़ा। जेनिफर का ये दावा काफ़ी हैरानीजनक है और असित मोदी इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और आपको बता दें कि एक बार फिर से जेनिफर ने घनश्याम नायक पर भी बयान दिया। घनश्याम नायक पर जेनिफर कहती हैं कि वो एक बार सेट पर ही रो गए थे। उनकी वजह ये थी कि इतना टाइट शेड्यूल था सेट पर कि उन्हें छुट्टी ही नहीं दी जाती थी और बीमारी के चलते उन्हें ज़रूरत थी, इसी वजह से घनश्याम नायक को भी बार बार प्रताड़ित किया जाता। अब असित कुमार मोदी का इस पर क्या रिएक्शन आता है ये देखना होगा, काफ़ी दिलचस्प। क्या लेते हैं कोई एक्शन लीगल, ये भी इंतज़ार करने वाली बात है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइव।